Hey guys, welcome back to my channel. I'm Amlan Sarkar, your host, and you're watching Causes Principles. In this video, we're going to discuss about an important factor or important aspect of forensic science again. That is, how much does a forensic scientist or a forensic expert earns per month or annually, or what is an estimated average income of a forensic expert working in private sector? Yes, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि प्राइवेटली एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट कैसे कमा सकता है और प्राइवेट लैब में अगर फॉरेंसिक एक्सपर्ट काम करते हैं तो कितना पैसे मिलते हैं उन्हें। तो मैंने ये सारी बातें अलग अलग वीडियो में करी, इकट्ठा एक जगह पे मैंने बात नहीं करी। और ये मेरे को क्वेश्चंस आ रहे बहुत कि आप बताइए कि आपने तो गवर्नमेंट सेक्टर्स के बारे में आप बताए, यूएसए में कितना कमाते हैं फॉरेंसिक साइंटिस्ट उसके बारे में बताए, इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में कितने पैसे कमाते फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स उसके बारे में बताइए। तो मैं एक एक करके मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर सकते हो, कहाँ और कैसे कैसे आपको पैसे मिलते हैं। तो फर्स्टली यू कैन वर्क इन प्राइवेट लैब्स, प्राइवेट ओन फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, यू कैन वर्क एज अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर और अ फ्रीलांसर, एंड यू कैन वर्क इन द यू कैन सेटअप योर ओन लैब और यू कैन वर्क इन द एमएनसीज एंड प्राइवेट बैंक्स एज वेल। तो ये कुछ चार जगह इन ऑल अगर हम देखें, इसके अंडर भी सब कैटेगरीज है कि क्या क्या और हो सकते हैं क्या क्या नहीं हो सकता, बट ये चार मेन कैटेगरीज है जहाँ पे आप प्राइवेटली काम कर सकते हो। तो टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट लैब्स, सी प्राइवेट लैब्स का इतना काम एक्सपोजर नहीं है इंडिया में अभी तक। कुछ ही लैब्स है प्राइवेट लैब्स जो कि अच्छे काम कर रहे हैं और अच्छे सैलरी आपको दे सकते हैं। अच्छे सैलरी आई मीन स्टार्टिंग विथ अ सैलरी अराउंड 20-25K स्टार्टिंग में, ठीक है, एंड वो पर ईयर और पर 1.5 ईयर वो इंक्रीज होता रहता है, इंक्रीमेंट होती है, 5% होता है कहाँ पे, कहीं पे 3%, कहाँ पर कहीं पे 10%, कहीं पे 7% होता है, बट इंक्रीमेंट होते रहते हैं हर एक डेढ़ साल में। बट ऑन एन एवरेज इन अ प्राइवेट लैब इन इंडिया अ फॉरेंसिक साइंटिस्ट और अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट अर्न्स इन बिटवीन, ऑन एन एवरेज इस चीज़ को गौर कीजिएगा, ऑन एन एवरेज बिटवीन 8,000 to 15,000 स्टार्टिंग सैलरी, 8,000 to 15,000। और एक्सपीरियंस जो होते हैं वो डिपेंड करता है कि कौन से पोजीशन पे काम कर रहे हैं, उनके सैलरी होता है ऑन एन एवरेज 40-60K जो एक्सपीरियंस है बहुत टाइम से प्राइवेट लैब में काम कर रहे हैं, ठीक है, एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है, तो इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होते प्राइवेट लैब में। ये हो गया प्राइवेट लैब में आप कितने कमाते हो, तो इतना ही कमाते हो, ऑन एन एवरेज स्टार्टिंग सैलरी होती है 8,000 to 15,000, एंड रिटायरमेंट के टाइम अगर आप देखिए तो वो बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है तब तक उनके सैलरी होते हैं, अगर वो सैलरी एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा है तो मैं कह रहा हूँ, तो वो अराउंड 40-60K के बीच में कमाएंगे जब वो रिटायर करेंगे, या मैक्सिमम कुछ केसेस में एक्सेप्शन होते हैं 70-80 हो जाता है, ठीक है, कुछ केसेस में, ज़्यादा नहीं। अभी वो डिपेंड करता है कितने केसेस आ रहे हैं उस लैब के अंदर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अनसर्टिनिटी बहुत है। तो ये हो गया प्राइवेट सेक्टर के बारे में। अभी सेकेंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी जो है वो काइंड ऑफ इंटर रिलेटेड है, इधर यू कैन वर्क एज अ फ्रीलांसर और कैन सेट अप योर ओन लैब, ठीक है। अगर आप फ्रीलांसर से काम करते हो तो मैंने पिछले लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे एज अ फ्रीलांसर आप काम कर सकते हो, जो मैंने वो बताया था एमएससी फॉरेंसिक साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन क्यूडी एंड फिंगरप्रिंट, वहाँ पे मैंने बताया था कि कैसे वो ब्रांच आपको एज अ फ्रीलांसर काम करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिशनर हो तो आप इन क्यूडी, फिंगरप्रिंट, कंसल्टेंसी, ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे आप फ्रीलांसर एज अ साइबर सिक्योरिटी फ्रीलांसर, ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे काम कर सकते हो। यहाँ पे आप पर जितना केसेस कर रहे हो रिपोर्ट के हिसाब से पैसे कमा सकते हो। मैंने बताया था कि रिपोर्ट के लिए आप अराउंड 10-20K चार्ज कर सकते हो, कोर्ट में जाने के लिए हर एक दिन का अराउंड 5-10K चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे एक एस्टिमेटेड अमाउंट आता है, तो ऑन एन एवरेज एक केस से अराउंड आपको 25-30K मिल जाएगा पर केस, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड। अब थर्ड, अब अगर अपना ओन अपना लैब एस्टैब्लिश करते हो, ठीक है, अपना लैब एस्टैब्लिश करने के लिए ना एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। अगर आप डिपेंड करता है कौन से डिविजन्स रख रहे हो आप, क्यूडी, फिंगरप्रिंट, कंसल्टेंसी, साइबर, टॉक्सी, सेरो और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो मेन डिपार्टमेंट है, फिजिक्स, बैलिस्टिक्स वगैरह, तो फिजिक्स, बैलिस्टिक, टॉक्सी, टॉक्सिकोलॉजी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे एमएस हो गया, जीसी हो गया, ये सारे सेटअप करने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। तो हर एक के बस की बात नहीं है कि इतना सेटअप कर पाए। तो अगर कुछ ब्रांड्स हैं जो जनरली काम आते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट, क्यूडी, साइबर के जितने भी काम हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट
केमिस्ट्री के सिंपल जो लैब्स के इक्विपमेंट होते हैं, नॉर्मल इक्विपमेंट्स टेस्टिंग वगैरह के लिए, ये सब अगर सेटअप करते हो तो इसमें भी आप, अगर आपके क्लाइंट्स जितना आप अपने आप को एस्टैब्लिश करोगे, जितने आपके क्लाइंट्स बढ़ जाएंगे तो उतने ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, ठीक है। जितना आप अपने आप को एस्टैब्लिश कर लोगे इस बिजनेस में, उससे उतना ज़्यादा आप पैसे कमा सकते हो। दो तरीके और है ऐसे अपने कंपनी एस्टैब्लिश करने और अपना लैब एस्टैब्लिश करके आप पैसे कमा सकते हो। दूसरा तरीका ये कि आप ट्रेनिंग दे सकते हो, इंटर्नशिप और ट्रेनिंग। यहाँ पे आप पेड होता है, बच्चे पैसे दे के करते हैं, ठीक है। तो वो एक समर इंटर्नशिप, विंटर इंटर्नशिप, ठीक है, पुलिस पर्सनल को इंटर्नशिप देना वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसमें से एक अच्छा अमाउंट आता है। ऑन एन एवरेज प्राइवेट लैब जो होते हैं तो वो चार्ज करते हैं इंटर्नशिप के लिए पर बच्चे 1 महीने के लिए, वो चार्ज करते हैं अराउंड 10,000, 8 to 10,000 ऑन एन एवरेज। और 2 हफ्ते के लिए वो चार्ज करता है अराउंड 5 to 6,000, ठीक है। तो जितने बच्चे होंगे उस, वो एक एड ऑन मनी है। दूसरा एड ऑन मनी ये है कि आप अपने फॉरेंसिक किट, जैसे फिंगरप्रिंट किट हो गया, जितने हैंड मैग्नीफायर हो गया, ठीक है, कुछ और इंस्ट्रूमेंट जैसे यूवी लाइट हो गए, आईआर फ्लैश हो गया, तो ये सारे जो इक्विपमेंट्स है ये सारे आप बेच सकते हो, इससे भी पैसे आते हैं। तो प्राइवेट लैब्स ऐसे पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। एंड लास्ट जो मैंने बोला था, एमएनसीज, जितने मल्टीनेशनल कंपनीज है, जितने प्राइवेट ओन लैब्स है, वहाँ पे भी आप काम कर सकते हो। वहाँ पे एज अ रिस्क एनालिस्ट, एज अ फ्रॉड एनालिस्ट, एज अ फॉरेंसिक अकाउंटेंट, एज अ फॉरेंसिक एग्जामिनर, डॉक्यूमेंट एग्जामिनर, ऐसे बहुत सारे पोस्ट में आप काम कर सकते हो। उसका भी सैलरी डिपेंड करता है, जितने आपको प्लेसमेंट पैकेज मिलते हैं उस हिसाब से आपकी सैलरी होती है। बट ऑन एन एवरेज इनके सैलरीज और इनके जो पैकेजेस लगते हैं वो अराउंड इतने स्टार्टिंग होते हैं, 35 to 45 K के ऑन एन एवरेज इतने पैसे होते हैं, ठीक है, 35 to 45,000 पर मंथ ऑन एन एवरेज। ये ओके। प्लस आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ा सकते हो, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे भी आप पढ़ा सकते हो। उसके लिए आपका एमएससी होना एंड नेट क्वालिफाई होना जरूर, मतलब परमानेंट, एज अ परमानेंट टीचर पढ़ाने के लिए ये दो चीज़ें होना बहुत कंपलसरी है। पीएचडी आप ज्वाइन करने के बाद भी कर सकते हो, फोरेंसिक साइंस के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नेट क्वालिफाई करना एंड एमएससी होना कंपलसरी है फोरेंसिक्स, एज अ फोरेंसिक साइंस लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर काम करने के लिए, एज अ परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये कुछ एरियाज थे प्राइवेट है जहाँ से आप पैसे कमा सकते हो, और इतना इतना आप पैसे कमा सकते हो ऑन एन एवरेज। तो दैट वॉज इट गाइज, होप यू गाइज लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।